हे गाइस हाय, आज हम लोग मॉर्निंग में अमन के स्टूडियो गए, वहाँ पे ओपनिंग हुई और लक्ष्मी अग्रवाल मैम भी आई थी और मैं उनसे मिली आज। मतलब सामने से एक ड्रीम लग रहा है, मतलब कैसे इतने जल्दी कैसे मिल गई मैं। और हमारी सारी टीम गई थी, इसमें भावेश गौरव हम तीनों गए थे स्टूडियो, तो ओपनिंग हुई। ओपनिंग हमने अटेंड करी, बाकी मैडम से मिले, उनका टैटू किया, टैटू करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और साजिद भाई आए हैं उनके साथ, तो साजिद भाई का टैटू हम अपने स्टूडियो में करेंगे। बाकी मैम भी आने वाली है थोड़ी देर से, आधे घंटे में वो आ जाएंगी। उसके बाद हम सर का टैटू स्टार्ट करेंगे और मैडम के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज पूरी नाइट हम मैडम के साथ ही रहेंगे, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है। बस थोड़ी देर बाद मैम आने वाली हैं, तो हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। और साजिद भाई को बनने वाला है एक आर्म बैंड, तो वो भी उस टैटू के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको वही चाहिए, उनको बहुत पसंद है वो टैटू। तो बस हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्म बैंड में है मॉम डैड का टैटू, उनको अपने मॉम डैड के लिए सरप्राइज़ देना है, मतलब गिफ्ट टाइप का, और जो वो दिखाएंगे अपने घर पर, क्योंकि उनको ऐसा अलाउ नहीं है टैटू, बट वो फिर भी बनवा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है, मम्मी पापा को गिफ्ट देने के लिए बनवा रहे हैं। बाकी हम लोग भी बहुत एक्साइटमेंट है हम लोगों को कि वो लोग आएंगे, हमारा स्टूडियो देखेंगे, हमसे मिलेंगे। तो बस अभी आने वाले हैं, हम लोग रेडी कर रहे हैं, थोड़ा जमा ले सामान वगैरह, वो लोग आने वाले हैं। तो बाकी अभी आते हैं, तो हम लोग टैटू स्टार्ट करने वाले हैं, फिर हम आपसे वापस से मिलेंगे, मैडम से भी मिलेंगे, और हम दिखाएंगे मैडम जब आएंगी तब। तो बस अब वो लोग आएंगे, तो हम लोग बस रेडी करते हैं, टैटू वगैरह डिज़ाइन करते हैं उनका, साजिद भाई का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टैटू बनाना। तो अब कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हो सकता है नाइट भी हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, और शायद हम लोगों को टैटू स्टार्ट करते करते 9 बज जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, मैडम आ जाए बस, वो आ ही रही हैं, अब तो रास्ते में ही हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे मैडम के आने के बाद। US की है। बहुत अच्छा है सच में। ये किसने बनाया? ये रेखा ने। अच्छा, बढ़िया, बहुत सही। ये रेत है इसके ऊपर, ये पूरा रेत है, ओरिजिनल रेत पे बना हुआ, रेत के ऊपर कलर डाला है। मैंने पहले तो ये जो ड्रॉ किया हुआ था, बाकी बाद में लिखा था, पहले बैकग्राउंड रेडी किया था, फिर उसको कलर किया था। टैटू स्टार्ट होने वाला है, टैटू का स्टेंसिल भी लग गया है, सर एक्साइटेड है टैटू के लिए काफ़ी। कैसा लग रहा है आपको मॉम डैड का टैटू बन रहा है? काफ़ी टाइम से सोच रखा था बनवाने के लिए, आज फाइनली आज कंप्लीट हो रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं टैटू। दिल में इसलिए हल चले, खाना यहाँ से नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ से बहुत प्यारा प्रिंट, बता दो यार, मैं भी ले लूँगी ना जाके। तो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी टैटू चल रहा है भैया का, थोड़ा टाइम और लगेगा, तो मैम ने सजेस्ट किया है कि सब लोग एक बार मूवी देख लेते हैं हम लोग, छपाक मूवी। और तो किसी ने यहाँ पे देखी थी, किसी ने नहीं देखी थी, वैसे हम लोग ने तो देखी है, तो एक बार और हम लोग छपाक मूवी देखते हैं। तो अभी मूवी यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट कर दी है, और सब लोग देखो कैसे एक्साइटेड होके बैठे हुए हैं। भैया ने तो फुल जगह कवर करके रखी हुई है, और विष्णु और सुमित वहाँ पे बैठे हुए, भैया का टैटू चल रहा है वो भी यहीं पे है, रोकी भैया हमारे और दीदी भी वहाँ पे, टैटू चल रहा है यहाँ पे भावेश। अभी मूवी कवर करते हैं जितनी हो सकती है, देखते हैं। Oh,
आशीष शुक्ला वो उसका रोल प्ले कर रहा था। किसी को नहीं पता, बस सबको पता है कि एसिडिटी टाइप सर्वाइवर। किसी को नहीं पता ये रैंडम बिना सिक्योरिटी के है ही यहाँ पे। पता है खास बात क्या, जैसे कभी कभी मैम जाती ना मार्केट में, जैसे इसमें दिखा रहा है सैवी सैवी डूब रही थी के बारे में, मैम पहले ऐसी रुकती थी और अभी देखोगे ना कभी तो बिंदास रुकती है, कोई भी एक्ट पूछता आप वही ना छपा दूंगी नहीं वो कोई और है सीधा ही बोल देती है, उसके इतने मजे लेते हैं हम लोग, नहीं वो कोई और है हम तो वैसे ही घूम रहे हो। इसका एक फेवरेट कंबल है। जितना चलते हैं। जितने गई थे। बहुत अच्छा। अब वो कंबल ओढ़ के आराम से जा जा के देखो। और किसी दिन चप्पल उठा के पता नहीं बोला ये बोला ऐसा। चुपड़ी नजर यार। अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो बैठो तो उसको देखने की जगह बस इसको बैठ के देखो। अभी ये सो रहे हैं। अगर आपने इसको उठा दिया ना ये बाथरूम में सोता मिलेगा 100% अभी इसके आती अच्छा नहीं अभी ये अगर इसकी आँख खुलेगी ना ये आँख इसकी ऐसी होगी ठीक है और ऐसे होने के बाद उसके बाद उठ के फिर ये अपने आप इसको उठाओगे बेटा इधर चलो उधर से इधर लेट जाओ उधर लेट जाओ अपने आप ही कहाँ जाके किस कोने में पड़ेगा इसको खुद भी हो अभी होश नहीं इसको अभी डर लगता है अभी बहुत बहुत अच्छे से बेहोश है। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है टैटू करके। वैसे भी आप बहुत सारे टैटूज आप बना ही चुके हो और ज्यादा एक ऐसा ड्रीम पूरा हो गया ऐसा लग रहा है आप लोगों से मिलने का मौका मिला। एक बार टाइम बता दो टाइम क्या हो रहा है? 3:00 हैं करेक्ट। ये दिन के या रात के? नाइट के। और कितना टाइम लगा है टैटू को? टैटू में लगे हैं 5 घंटे। 5 घंटे? और वो 5 घंटे क्यों लगे एक बार? एक्चुअली टैटू बहुत बड़ा था आमबेड था तो इसमें टाइम लग जाता है, फिलिंग है और लाइनिंग वर्क है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने में। ओके आप सुबह 7 बजे से मुझे पता चला कि आप टैटूज बना रही हैं। लोगों का अपॉइंटमेंट था एक्चुअली आज था बट इनॉग्रेशन था तो मैंने फिर उसको सुबह 7 बजे का कर लिया क्योंकि टाइम मैनेज करना था इसलिए फिर हम लोगों ने 11 बजे तक टैटू किया फिर हम लोग सुरेखा सुबह 7 बजे से लेके रात को 3 बजे तक वर्क करी और ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है तो आप लोग भी इस हार्ड वर्किंग लड़की के पास आके टैटू बनवा सकते हो उनके स्टूडियो में आ सकते हो और एड्रेस हम ज़रूर मेंशन करेंगे। और आप रेखा के बारे में शाजिद क्या कहना चाह रहे हैं? यही लोग इतना पेन होता है नहीं कुछ नहीं हुआ ठीक है मज़ा आ रहा था ऐसा लग रहा है चीटियाँ काटी हैं जगह जगह और बाकी अमन था आपके साथ में तो पता ही नहीं चला पेन तो बाकी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। रेखा ने बात करते 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 पता नहीं कभी बना दिया 5 घंटे पता ही नहीं चले मेरे को कब हो गए सच में बहुत अच्छा बना है। ओके गाइज आप लोग भी ज़रूर स्टूडियो में विजिट करिए क्योंकि बहुत अच्छा वर्क है रेखा का मुझे तो बहुत ही पसंद आया और मुझे पता है आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। एक बार हम शाजिद का टैटू पूरी तरीके से आपको दिखाते हैं। खड़े हो जाओ तो गाइस आज फाइनली सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है और हम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट वाला दिन बन गया ये तो मैम को एक बार और थैंक यू सो मच मैम और अमन भाई को भी थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी और आप लोग भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना और यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको लिंक में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ विजिट करके और अमन भाई का चैनल भी विजिट कर लेना एक बार। तो बस इस व्लॉग को मैं करता हूँ आज यहीं पर एंड। व्लॉग
पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।